हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल जोशी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि टाटा स्काई सर्विस को कुछ दिनों के लिए पॉज कैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आप रिचार्ज तो कर लेते हैं लेकिन किसी काम की वजह से आपको बाहर जाना पड़ता है किसी दूसरे सिटी में। उस टाइम आप टीवी पे ये चैनल नहीं देख सकते तो अपना रिचार्ज वेस्ट हो जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि कुछ दिनों के लिए पॉज कैसे कर सकते हैं। तो गूगल में टाइप कीजिए टाटा स्काई और एंटर कीजिए। फिर ये जो लिंक आते हैं इसे ओपन कीजिए, tataskai.com। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। इस आइकॉन पे क्लिक करके आप आईडी डाल सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो मैंने मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन किया। कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आपके बैलेंस भी दिखता है और रिचार्ज की डेट भी दिखती है। तो आपको क्लिक करना है गेट हेल्प। इस पे हम ओटीपी से लॉगिन कर रहे हैं अभी। जो मोबाइल पे ओटीपी आया यहाँ पे एंटर कीजिए। आप पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हो। ये देखिए लॉगिन हो चुका है। हमें गेट हेल्प क्लिक करना है और उसके अंदर जो मेनू है अकाउंट एंड प्रोफाइल, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे सस्पेंड माय सर्विसेज, उसे क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए सस्पेंड कंप्लीट अकाउंट। उसके बाद टाटा स्काई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको किस लिए ये बंद करना है, किस रीजन की वजह से आपको ये बंद करना है। तो आप सिलेक्ट कीजिए कि गोइंग फॉर वैकेशन या फिर कोई अदर रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसे सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको कब से कब तक सस्पेंड करना है अकाउंट, ये भी आप डेट डाल के सिलेक्ट कर सकते हो। ये स्टार्ट डेट और ये एंड डेट। डेट सिलेक्ट के बाद बटन क्लिक कीजिए और आपको ये मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली ये सस्पेंड हो चुका है। ये सर्विसेस आप फिर से भी चालू कर सकते हो। उसके लिए भी आपको गेट हेल्प का बटन क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, और यहाँ पे आपको फिर से अकाउंट एंड प्रोफाइल में जाना है। फिर यहाँ पे रिज्यूम माय सर्विसेज क्लिक कीजिए। ये बटन क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी आप गांव से आते ये बटन क्लिक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।